थे 4 सम्स, आज हम फिफ्थ सम करेंगे 8.2 एक्सरसाइज का। द साइड ऑफ कैरम बोर्ड इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब हम कैरम बोर्ड घर में खेलते हैं तो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है, जब भी एक साइड दी हो दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। ये भी याद रखना है आपने, एक जनरल नॉलेज के लिए बात याद रखनी कि अगर एक साइड दी हुई है, हाँ ये भी है कि अगर एरिया दिया हुआ है तो लेंथ और ब्रेथ होगा, रेक्टेंगल होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक ही आपका अमाउंट दी गई है 60 सेंटीमीटर दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया। अब एरिया किसका पता करना, कैरम बोर्ड का। तो माइंड में ये सोच लो कैरम बोर्ड होता कैसे है, कैरम बोर्ड इज अ स्क्वायर, स्क्वायर होता है कैरम बोर्ड बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ कैरम बोर्ड इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ कैरम बोर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ कैरम बोर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड कितना है 60, 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जीरोस हैं 0, 6 जीरो 0, 6 जीरोस हैं 0, 6 6 हैं 36, तो ये कितना हो गया 3600, यानी 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है, ठीक समझ आ गया। दोबारा से, द साइड ऑफ कैरम बोर्ड इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। पहले तो ये देखना है कि इन्होंने ना तो स्क्वायर दिया है ना रेक्टेंगल दिया, सिर्फ कहा है फाइंड द एरिया। अब एरिया किसका फाइंड आउट करना है हमने, कैरम बोर्ड का। तो माइंड में ये सेट करो कि कैरम बोर्ड होता क्या है, कैरम बोर्ड इज अ स्क्वायर ऑब्जेक्ट, वो स्क्वायर है। तो साइड ऑफ कैरम बोर्ड इज 60 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ कैरम बोर्ड इज साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू, फिर 60 को मल्टीप्लाई किया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बार बार बोल रही हूँ पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगाना है, पर एरिया में स्क्वायर लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर एंड 45 मीटर, यानी लेंथ कितनी हो गई 100 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 45 मीटर। What is cause of labeling the field at the rate of 8 rupees per square meter? अब एक फील्ड है उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको लेबल करना है, अगर एक स्क्वायर मीटर का रेट 8 रुपीज है तो टोटल कितना होगा। अब देखो सबसे पहले तो ये है कि हमें फील्ड का एरिया पता करना है, तो एरिया लेंथ और ब्रेथ दिया, इन्होंने सीधा दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी किसका एरिया पता करेंगे हम, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है रेक्टेंगल ऑफ एरिया का, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 100 इंटू 45। या मैंने पहले भी आपको बताया कि 100 हो 1000 हो तो क्या करना है, जो अमाउंट हमें दी है उसके साथ मल्टीप्लाई करने की वो लिखनी है और उसके पीछे अपने जीरो लगा देने। तो यहाँ 45 है, कितने जीरोस हैं यहाँ पे, दो, 1 2 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो गया हमारा 4500 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 100 मीटर एंड 45 मीटर, तो लेंथ 100 मीटर ब्रेथ 45 मीटर, तो किसका एरिया पता करना है हमने, रेक्टेंगुलर फील्ड का, दैट मींस रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 100, ब्रेथ कितनी है 45, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 45। हमने एक थर्ड चैप्टर में किया था मल्टीप्लाई वाले सम्स में कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी अमाउंट को तो वो अमाउंट लिख के उसके पीछे एक जीरो लगानी है, अगर 100 से करते हैं तो दो जीरो लगानी है, 1000 से करते हैं तो तीन जीरो लगानी है। तो सेम वही है यहाँ पर, 100 मल्टीप्लाई बाय 45 है तो मैंने 45 लिखा है और उसके पीछे जो यहाँ जीरो है वो यहाँ लगानी, तो इट इज 4500 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमारा होगा कि हमने एरिया पता कर दिया, अब हमने क्या पता करना है, What is cost of leveling the field at rate of rupees 8 per square meter? Per का मतलब होता है एक square meter. Per का क्या मतलब होता है एक. तो leveling one meter square meter is equal to rupees 8. Cost of leveling one square meter is equal to rupees 8. तो
कॉस्ट ऑफ लेबलिंग लेबलिंग 4500 मीटर इज इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई बाय 8 8 0s are 0 8 5s are 40 0 4 कैरी 8 4s are 32 33 34 35 36 इट इज 36,000 रुपीस रुपीस 36,000। दोबारा से देख लो कॉस्ट यहाँ तक हमने समझ लिया कि एरिया में आ गया। अब उसके बाद क्या कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर यहाँ पे इन्होंने दिया है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट रेट ऑफ रुपीज 8 पर स्क्वायर मीटर। पर का क्या मतलब होता है 1। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर इज रुपीज 8। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 4500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको हमने मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आ गया 36,000 रुपीज 36,000। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम अ कारपेट हैज अ लेंथ ऑफ 8 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 5 मीटर इन एन ऑडिटोरियम 125 सच कारपेट्स आर बीइंग सेट ऑन द फ्लोर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑडिटोरियम। अब इन्होंने हमें ये नहीं कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट। क्या क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ऑडिटोरियम। क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। एक कारपेट है इस तरह का एक कारपेट है जिसकी लेंथ 8 है और ब्रेथ 5 है। इस तरह के 25 कारपेट्स ऑडिटोरियम में बिछाए गए हैं। कितने पर बिछाए गए हैं 25। मैंने यहाँ 10 ही ड्रॉ किए हैं आप समझ लो उसको 25। तो हमने ये पूरा एरिया पता करना है कि ये कारपेट्स बिछाने के बाद जो एरिया है ऑडिटोरियम का वो कितना है। समझ आया क्वेश्चन समझ लो पहले। एक कारपेट है जैसे हम गुरुद्वारा में जाते हैं देखते कारपेट बिछे हुए बहुत सारे कारपेट बिछे होते हैं तो उसमें एक कारपेट की लेंथ इतनी दी हुई है तो कितने कारपेट्स बिछे हैं आपने ये पता करना है। सेम क्वेश्चन है ये कारपेट हैज लेंथ ऑफ 8 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 5 मीटर। 8 और 5 मीटर ब्रेथ का एक कारपेट है इन एन ऑडिटोरियम 125 सच 125 कारपेट बिछे हुए हैं 125 कारपेट्स हैं तो ये ऑडिटोरियम का एरिया कितना हुआ ये पता। तो पहले हम कारपेट का एरिया पता करेंगे जितना कारपेट का एरिया आएगा उसको हम 125 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ऑडिटोरियम का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है बेटा तो लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 8 मीटर ब्रेथ of carpet is equal to 5 meter then area of one carpet is equal to अब देखो length और breadth की है और दोनों अलग अलग है तो ये carpet का shape कौन सी है it is a rectangular shape तो rectangular shape के लिए formula क्या है length into breadth is equal to 8 into 5 ऑडिटोरियम में कितने कारपेट है 120 तो एरिया ऑफ ऑडिटोरियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट वन कारपेट मल्टीप्लाई बाय टोटल कारपेट एरिया वन कारपेट कितना है 40 मीटर स्क्वायर टोटल कारपेट कितने हैं 125 क्या करना है हमने 125 को 40 से मल्टीप्लाई करना 0 5 0 0 2 0 0 1 0
यानी किसी भी अमाउंट को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर हमेशा जीरो होता है। देन यहाँ क्रॉस का निशान, 4 5 20 जीरो टू कैरी, 4 2 8 9 10 जीरो 1 कैरी, 4 1 4 + 1 5 कितना आंसर आ गया हमारा 5000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर मीटर, या हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, आप ऐसे ही लिखो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप मीटर स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते तो स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका गलत नहीं होगा, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सम, इसको पहले हमने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम बहुत जल्दी से इसको कर सकते हैं। तो ये द बरांडा ऑफ गुरप्रीत हाउस इज 52 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड, लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ, वाइड का मतलब होता है ब्रेथ, एंड बरांडा ऑफ पंकज हाउस इज ऑफ स्क्वायर शेप विद 41 मीटर। तो यहाँ पर दो लोगों के बरांडा दिए हैं, एक गुरप्रीत का और एक पंकज का, तो हमें पहले क्या करना है, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। क्यों, विच पर्सन हैज अ रूफ ऑफ बिगर, किसके रूफ बड़ी है, किसकी छत बड़ी है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी। तो पहले हम एरिया पता करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे गुरप्रीत, गुरप्रीत हाउस, और यहां लिखेंगे हम पंकज हाउस, ठीक है। अब गुरप्रीत हाउस की लेंथ कितनी है, 52 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 32 मीटर। तो ये कौन सा हुआ, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो कौन सा बरांडा हुआ, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ बरांडा इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 52 इनटू 32। तो गुरप्रीत के हाउस का पहले बता रहेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 52, ब्रेथ इज इक्वल टू 32। तो लेंथ और ब्रेथ है तो कौन सा ये है, ये बनेगा रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, 52 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 2 4 2 5 10 क्रॉस 3 2 6 3 5 15 1 5 6 4 क्या आ गया इसका आंसर, 1 6 6 4 स्क्वायर मीटर। ये तो आता गुरप्रीत के हाउस के बरांडे का एक। अब हम करेक्ट करेंगे पंकज के हाउस का, पंकज हाउस इज ऑफ स्क्वायर शेप इज इक्वल टू 41 मीटर। तो इसकी क्या दी हुई है, साइड दी हुई है कितनी, 41 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड इज इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई बाय 41। अब यहां पर 41 इनटू 41 करेंगे, 1 4 इनटू 4 4 4 16, तो 1 6 8 1 1 6 8 1 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन हैज अ रूफ ऑफ बिगर, अब किसका रूफ बिगर है, 1 6 4 6 1 6 6 4 यानी 1664 या 1681। अब यहाँ पर देखो 81 यहाँ 64, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1681 इज ग्रेटर देन 1664, ठीक है। सो पंकज बरांडा बरांडा इज bigger than Gurpreet's, Gurpreet's by कितना बड़ा है, अब कितना बड़ा है, तो 1681 माइनस 1664, इसको हम माइनस करेंगे, 1681 माइनस 1644 11 6
11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 7 रह गया, 7 में 6 गया 12, 17 स्क्वायर मीटर। ठीक है, पहले हम गुरप्रीत के हाउस का एरिया पता करेंगे, फिर पंकज के हाउस का पता करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा एरिया बड़ा है। जो एरिया बड़ा है उसमें से जो छोटा एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे, यही समय और ज्यादा कुछ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट सम इज रूफ ऑफ अमरजीत हाउस इज ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर, देयर इज अ लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ। अब क्या है, उसकी छत की जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 8 मीटर और 6 मीटर, तो देयर इज अ लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ, ऊपर छत से पानी टपक रहा है। ही वांटेड टू फिक्स टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, वो उसके ऊपर टाइल लगाना चाहता है छत के ऊपर, जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है सेंटीमीटर्स में है, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाइड फॉर प्लगिंग द लीकेज। हाउ मेनी टाइल्स डज ही, उसको कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम अमरजीत के हाउस के छत का एरिया पता करेंगे, तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर, तो एरिया ऑफ रूफ क्या हो गया, रूफ इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 8 इंटू 6, 8 6 का 48 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितना हो गया 48 स्क्वायर मीटर। तो अब उसने क्या करना है, टाइल्स लगानी है, तो अब यहां पर हम करेंगे एरिया ऑफ टाइल, एरिया लेंथ ऑफ टाइल इज इक्वल टू ऑफ टाइल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ टाइल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ और ब्रेथ है तो ये भी रेक्टेंगल हुआ, तो एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 30 इंटू 20, 3 2 6 और फिर 8 2 0 0 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, जो एरिया है वो किसमें है, मीटर में है, जो टाइल का एरिया है वो किसमें है, सेंटीमीटर। तो हम इसको सीधा सम नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे, या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में, हमारे लिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 48 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 48 × 100 इज इक्वल टू 4800 स्क्वायर मीटर। ठीक, तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ रूफ है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ रूफ ही लिखेंगे, रूफ ओवर एरिया ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 600। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 6 × 1 = 6 = 8 इज इक्वल टू 800 टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेगी, 800 टाइल्स। ठीक है बेटा, 9th सम आप खुद करोगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।